हाय फ्रेंड्स, मैं नवीन कुमार नए वीडियो में आपके सामने फिर हाजिर हूँ। तो दोस्तों, मेरे जो है जितने भी व्यूअर हैं उनका एक सबसे बड़ा सवाल मन में ये रहता है, जो नए हैं उनको नहीं पता होता कि एक्सपोर्ट में पूंजी कितनी लगेगी। तो मैं आपको आज इस चीज़ का बिल्कुल एक सटीक एग्जाम्पल देता हूँ और आप इसको बिल्कुल केयरफुली देखना, आपको फिर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और आपको बार बार मुझे कमेंट करके नहीं पूछना पड़ेगा। तो दोस्तों, मान लीजिए मैं एक्सपोर्टर हूँ और मैं मैन्युफैक्चर भी हूँ। मैंने सामने वाले से कहा कि आप मुझे 10% एडवांस दो, तो 90% मुझे अपनी तरफ से लगाना है। उस 90% में मेरा आगे से आगे सारा 90% उधार आ जाता है, तो मेरी जेब से तो कुछ नहीं लगा, 10% मैंने उससे लिया, 90% मेरा उधार आ गया। अब मैंने उसको बोला कि मेरे को आप बाकी का पेमेंट बिफोर डिलीवरी देंगे। बिफोर डिलीवरी का मतलब ये, मेरे गोदाम में माल तैयार रखा है, मैं जब आपका पोर्ट पे भिजवाऊंगा, जब आप मुझे सारी पेमेंट दे देंगे। चाइना में यही चलता है, तो यानी कि मेरे पास सारी पूंजी आ गई, 10% जो था मैंने पहले ले रखा था, मैंने आगे दे दिया, तो मेरी जेब से तो कुछ नहीं लगा ना। पहले सवाल का जवाब। दूसरे सवाल का जवाब, मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर हूँ, तो मैंने क्या करा, आगे से 30% एडवांस लिया। 30% एडवांस लेने के लिए मैंने अपने वेंडर को 20% दिया, 10% आप अपने पास रख लेंगे, 10% आपको अपने पास रखना है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो किसी कोई खर्चा ऐसा आ जाता है कि आपको देना पड़ जाए तो आपको अपने पास रखना, सारा के सारा पैसा नहीं देना। ये चीज़ ध्यान में रख लो, लिख लो कहीं पे। 10 लाख का माल है, 3 लाख आपने एडवांस ले लिया, 2 लाख आपने वेंडर को दिया। अब आपने अगली पेमेंट टर्म क्या रखी है उससे, बिफोर डिलीवरी। बिफोर डिलीवरी का मतलब यह है कि जब आपका वेंडर माल आपका तैयार कर देगा, आप बाकी का पैसा लेंगे, अपने वेंडर को देंगे, तब आप माल वहाँ से उठाएंगे। अब आपको, आपका वेंडर तो आपको जानता नहीं है, समझ लो 1% समझ लो नहीं जानता। आपने सामने से पैसा लिया, अपने वेंडर को दिया, जब माल देगा ना वो, आप बिफोर जो है डिलीवरी अगर पॉइंट कर रहे हो, अगर आप FOB कर रहे हो तो वो आप पे क्या इतना विश्वास करेगा कि वो अपना माल उठा के यहाँ रख दे। चाइना में बिफोर डिलीवरी, और इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप लोग चाइना से कोटेशन मंगा के देख लो ना। आप पहली बार माल मंगा रहे हो, हर कोई बिफोर डिलीवरी लिख देगा, हर कोई बिफोर डिलीवरी लिख देगा। हम लोग ये सोचते हैं कि सामने वाला पैसा को देगा। भैया, वर्ल्ड बहुत बड़ा है, आप अपने सिटी में रह रहे हो, जिसको ज़रूरत होगी वो माल के लिए पैसा देगा। आपका माल ऐसा होना चाहिए उसकी ज़रूरत के मुताबिक। अब आप अफ्रीका में जैकेट बेचने लगो तो कोई नहीं चाहिए, तो आपका प्रोडक्ट और सिटी ऐसा होना चाहिए, स्टेट या कंट्री ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो। अब दूसरी चीज, अब मान लीजिए आपने 50% एडवांस लिया, अब 50% आपने 10 लाख का मान लीजिए आपका कंटेनर बन रहा है, आपने अपने वेंडर को दिया 2 लाख रुपया कि भैया मेरा ये माल तैयार कर दे। अब आपने FOB पे कहा, अब FOB पे कहने के बाद में जब माल तैयार हो गया, आपने उससे कहा कि भैया ये जो है मैं आपकी जो भी गुडविल है उससे कि भैया मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ये जो है आप जो है ये माल पहुँचा दो, और जो है आप शिपमेंट जब करना, वो आपके टर्म कंडीशन। मैंने आपको बेसिक बता दिया कि माल आपको, अगर आप नए हैं, आपको माल कब्जा सच्चा बाकी सब झूठा। जब तक माल आपके कब्जे में है तब तक आप लॉस में नहीं जा सकते। आप कहने लगोगे भैया माल वहाँ पहुँचा दूंगा मैं, तुम पेमेंट दे देना, तो भरोसा नहीं करना। सबसे पहला गोल्डन रूल यही है कि अगर आपको नुकसान नहीं उठाना तो भाई जब तक माल मेरी छाती के नीचे है मेरा नुकसान नहीं लगेगा। वो कहावत सुनिए ना, अभी तो बेटी बाप के घर है, तो उसी पे हमें रखना है कि भाई पैसा दे दो, माल हमारा ले जा। इसके बाद बहुत सारे सवाल उठते हैं, सर उसने बाहर ने माल रिजेक्ट कर दे, कर देना, फेंक दे इसे कूड़े में, फेंक दे नाले में, फेंक दे, रिजेक्ट कर दे, मेरा पैसा तो मेरे पे आ गया ना, किस वजह से रिजेक्ट कर रहा है। मैंने आपको माल गलत दिया, जो आपने HSM कोड नहीं दिया मैंने उस पर नहीं दिया, ये किस वजह से नहीं गलत है, आप मुझे वजह बताओ ना। आप अपनी तरफ से बेईमानी नहीं करोगे, सामने वाला भी आपसे नहीं कर पाएगा। आप बेईमानी करने की सोचोगे तो आप लॉस में जाओगे। मैं बेईमानी का चैप्टर कभी नहीं पढ़ाता। जितने भी लोग सोचते हैं कि हम सामने वाले को ठग लें और बेवकूफ़ बना के माल, उनके लिए वीडियो कभी नहीं है
उन लोगों को ये मेरी वीडियो देखने भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ईमानदारी के रास्ते पे ही बताता हूँ कि भाई आप लोगों को ऐसा करना है, ईमानदारी पे आपका नुकसान नहीं लगेगा। हाँ, मैं बेईमान नहीं हूँ, मैं ये समझता हूँ सामने वाला भी नहीं है, पर मैं उससे अपने तरीके से डील करूँगा। भाई मेरे ये नॉर्म है, तुम मेरे को इस तरीके से पैसा दो, ये डीलिंग है, ये सारी चीज़ क्लियर करके चलो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मेरे बहुत से भाइयों को ये समझ में आ गया होगा कि हम पे पैसा नहीं है, अरे कोई ज़रूरत नहीं उधार लेने की, सब पैसा पहले दे देते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कहीं से लोन लेने की। मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तो मेरा क्या इतना अरेंजमेंट नहीं होगा कि मेरे को 50 लाख का ऑर्डर आ जाए और मैं उसके माल का प्रोडक्शन करके दे दूँ, जबकि माल मेरे को अपने पास ही रखना है। मैन्युफैक्चरर की इतनी सेटिंग रहती है, मेरे को आज कोई 5 करोड़ का ऑर्डर दे दे और 20 लाख रुपये एडवांस दे दे, तो मेरे पास में इतनी सेटिंग है कि मैं 5 करोड़ के प्रोडक्शन कर दूंगा, क्योंकि उस 5 करोड़ के प्रोडक्शन में सीधे सीधे 50 लाख रुपए का तो मेरा प्रॉफिट होगा। 20 लाख रुपए का मुझ पे आ गया और मैं ईयर को, मेरे को ये पता कि 20 लाख रुपए तो छोड़ेगा नहीं, और माल मेरा इस हिसाब का होना चाहिए कि मैं उसको रीअसेंबल कर सकूं। अगर ये नहीं उठाएगा तो मैं इसका जोड़ घटा भाग करके इसको किसी और को निकाल दूं, तो मैं दे दूंगा, सामने वाला भी 20 लाख रुपए थोड़े ना छोड़ देगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना, ये मैं गोल्डन टिप्स बता रहा हूँ जो मेरे भाई लोग, मैं अपने वीडियो में ये देखता हूँ कि एज ग्रुप सबसे ज़्यादा कितना है, तो 24 से 30 साल के बीच का एज ग्रुप सबसे ज़्यादा है। तो आप लोगों को ये इस्टेब्लिशमेंट की उम्र है, आप लोगों का ये टाइम है, आप लोग इस टाइम पे ही जम सकते हैं, इसके बाद में बहुत दिक्कतें आती हैं। अगर आप शुरू में जम गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर जम तो कहीं भी जाओगे, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी के साथ में, अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, मैं बोल रहा हूँ। अब मैं वो सब चीज़ नहीं बोलता कि मेरे को देश की तरक्की करनी है, सब करना, क्योंकि मुझे पता है कि लोग स्किप मार देते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बहुत बोल चुका हूँ और मैं अब आगे नहीं बोलूँगा ये सब चीज़। तो नमस्कार, धन्यवाद, अगली वीडियो में फिर मिलूँगा। आपका भाई नवीन कुमार।